बिदुना क्षेत्र के धनवाली गांव में 25 वर्षीय विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इससे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के माता पिता ने ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पुत्री की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का आरोप लगाया। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां कमरे से नमूने एकत्रित किए गए। पुलिस से शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिले की कोतवाली बिधुना क्षेत्र के ग्राम धनवाली निवासी रामजी उर्फ ब्रजेश शर्मा का वर्ष 2015 में बझेरा थाना अच्छलदा निवासी नाथुराम की पुत्री मधु के साथ विवाह। आरोपी की शादी के बाद से ही मधु के ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे आए दिन प्रताड़ित करते हैं। विवाहिता का एक 4 वर्ष का पुत्र निखिल है। रक्षाबंधन पर मधु अपने मायके गई। बीते 2 दिन पूर्व 30 अगस्त को ही वो मायके से वापस ससुराल आई। मृतिका के माता पिता ने बताया कि पुत्री से ससुराली जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। मृतिका के पिता ने पुत्री की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ मुकेश प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशांक राजपूत, चौकी प्रभारी जितिन कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमर सिंह, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कमरे से नमूने एकत्रित किए। पुलिस ने कहा कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नाथुराम। नाथुराम, पिताजी का नाम? श्री राम प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? बझेरा। बझेरा थाना? अच्छल्ला। थाना अच्छल्ला, जनपद औरैया। औरैया। क्या घटना हो गई यहाँ आप धनवाली में आए हुए हैं? मेरी लड़की को मार डाला, फांसी लगा, गला दबा के जो कुछ किया उन्होंने, बहरहाल मरी मिली हमको। लड़की का क्या नाम है? मधु। मधु, तो आपने ये शादी कहाँ की थी? यही धनवाली। धनवाली में किसके साथ की थी? रामजी उर्फ ब्रजेश। कब की थी? 15 में। तो ये घटना से पूर्व किसी तरीके से आपकी पुत्री ने कोई जानकारी दी आपको? पहले जानकारी का वो बताती रहती थी, सास हमारी लड़ती रहती है, कहीं कहती रुपये लाओ घर से, कहीं कुछ। हमने पूछता कि हाँ भेजा है, इसके कहने पर हर चीज़ देते थे, जब आप हम कहाँ से दे, हम मजदूरी करते थे, हम कहाँ से पैसे दें। हमने शादी क्यों की? जब हम ही पैदा करके खिलाते तो मैंने शादी क्यों की? हम तुमको रुपए देंगे। तो आपको जब सूचना दी थी उसके बाद आपने ससुराली वालों से कुछ आपत्ति जताई? तो कोई यहाँ मिले ही नहीं हमको अभी। आज जब आप आए? हाँ जताई, उसके ससुर से कहा, सास से कहा, सास ने कहा मेरा कुछ नहीं होगा, हम मार देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आपको ये घटना की सूचना किसने दी? भाई चाचा की लड़की एक यहीं आई है इसी गांव में, उसके द्वारा सूचना दी गई। उसके द्वारा सूचना मिली, उसे खबर मिली हुई तो उसने फ़ोन किया घर के, ऐसी ऐसी बात। जब आप लड़की के ससुराल में यहाँ धनवाली आए हैं तो उस समय घर में ससुराली जन थे या नहीं? कोई कुछ नहीं, केवल गेट बंद थे, बाहर से कोई नहीं था। पुलिस कब आई? पुलिस आई हमारे 10 मिनट बाद, हम पहले आए 10 मिनट, लेकिन अंदर नहीं गए। हमने कहा अंदर किसी घर में जाना गलत है, जब जी तक जी। पुलिस नहीं आ जाएगी तब तक अंदर नहीं जाएंगे। जी, तो आपका क्या मानना है कैसे लड़की मरी? हम मार डाली गई उसको, गला दबा के, हमको निशान दिखाई दे रहे गले में। कोई पुत्र वगैरह बच्चा है? कोई एक बच्चा है नाती। रिपोर्ट तेजस खबर।